जैन समाजातील ओसवाल नवयुग संगवतीने गोपालनगर परिसरातील डीमार्टजवळ भव्य क्रिकेट टूर्नामेंटचे आयोजन केले असून या टूर्नामेंटमध्ये गुजराती जैन, दिगंबर जैनसह श्वेतांबर जैन समाजातील 10 टीमने सहभाग घेतला, यात प्रत्येक संघात 2 युवती खेळाडू म्हणून सहभाग घेतला. 24 डिसेंबरला खेळल्या गेलेल्या संघात सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांच्या हस्ते टॉस करून सामन्याला सुरुवात करण्यात आली. अगला मैच इलाइट सुपर किंग्स वर्सेस भंडारी राइडर्स के बीच में होने जा रहा है और JPL के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. इस मैच में हम लोग 3 बार टॉस करेंगे. जो भी टीम 2 बार टॉस जीतेगी वो अपना फैसला देगी कि उन्हें बॉलिंग लेना है या बैटिंग लेना है. और अगर एक टीम तीनों टॉस जीत जाती है तो वो अपना फैसला देगी और चंदू भैया सोजतिया की तरफ से उन्हें 101 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है. रेडी रेडी Heads is the call and heads it is. तो पहला टॉस जीता है भंडारी राइडर्स के राहुल भैया भंडारी ने. स्कोर इज 1-0. Heads was the call. लेकिन तीसरी बार टॉस होगा 101 रुपए के इनाम के लिए. और हमारे तो 100 रुपीज सेव किए चंदू भैया ने. तो इसी बीच भंडारी राइडर्स ये 3-2-1 से टॉस जीतते हुए अपना फैसला सुनाएगी. बैटिंग भंडारी राइडर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. इलाइट सुपर किंग्स पहले फील्ड करेंगे. चंदू भैया सोजतिया हमारे बीच अपने विचार व्यक्त करेंगे. सभी यहां पर जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, ओसवाल नवयुग युवा मंडल द्वारा यह आयोजित यह क्रिकेट स्पर्धा निश्चित रूप से स्पर्धा तो है लेकिन एक पूरी युवाओं को जोड़ने का एक जो प्रयास नवयुवक मंडल ने किया है निश्चित रूप से सराहनीय है. सभी यहाँ पर नवयुवक उपस्थित है, पूरे समाज के उपस्थित है, पूरी टीम भी उपस्थित है. उसमें आज टॉस के लिए मुझे इन्होंने यहाँ पे सौभाग्य दिया है उसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद. कि और युवकों को और दोनों टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. जीतना एक को ये भी सही है लेकिन दोनों बहुत बेहतरीन प्रयास करें जीतने के लिए, यही शुभकामनाएं. मैं और सुदर्शन भैया दोनों साथ में यहाँ पे हैं. हमने टॉस किया, थोड़ा टॉस में नया ट्विस्ट लाया, 3 बार की टॉस की थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए. हालांकि टॉस एक ही होनी चाहिए, दो टॉस जो जीतेगा. भंडारी जी ने 2 टॉस जीती भंडारी की टीम ने और 3 टॉस में भी इनाम था. और ऐसा ही यदि प्रथा चलती रहे गेस्ट की तरफ से थोड़ा गेस्ट को भी कुछ बोलने को करने को मौका मिल जाता तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ही ये प्रयास चलते रहे तो अच्छा रहेगा. थैंक यू. 3 वेळा टॉस जिंकणाऱ्या संघाला डॉक्टर चंदू सोजतिया यांच्या हस्ते बक्षीस जाहीर करण्यात आले. सकाळी खेळल्या गेलेल्या संघात भंडारी रायडर्सने टॉस जिंकून बॅटिंग घेण्यास सुरुवात केली. या टूर्नामेंटमध्ये प्रथम विजेता टीमला 11,000 रुपये, रनअप टीमला 7,000 रुपये बक्षीस सह मॅन ऑफ द मॅच आणि प्रत्येक सहभागी संघाला सुद्धा बक्षिसे देणार येणार असल्याची माहिती ओसवाल नवयुग संघाचे सचिव अंकित बंबोरिया यांनी स्पष्ट केली आहे. मेरा नाम अंकित बंबोरिया जैन है. मैं श्री ओसवाल नवयुवक संघ का सेक्रेटरी हूँ और ये हमारा सीज़न 4 है बॉक्स क्रिकेट का. इसके मेन स्पॉन्सर है पूनम फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड और को स्पॉन्सर है गुरुदेव होम सॉल्यूशंस एंड कुशल बजाज. और इसमें ये बॉक्स क्रिकेट में 10 टीमें खेल रही है और इसका फर्स्ट प्राइज है 11,000 और रनर अप को है 7,000 और उसके साथ ही मैन ऑफ द मैच के साथ में और हर टीम को अलग अलग स्पॉन्सर्स के तरफ से कूपन्स भी प्रोवाइडेड किए हैं. या सोबतच जैन समाजातील सर्व युवकांना एकाच ठिकाणी आणण्याचा या टूर्नामेंट मागील उद्देश असल्याचे ॲडव्होकेट मोहित जैन यांनी स्पष्ट केलेत. मैं ॲडव्होकेट मोहित जैन. ये टूर्नामेंट जो आयोजन किया गया 10 टीमें हैं, पूरी जैन समाज की टीमें हैं. इसमें गुजराती जैन, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन ये सब है. ये टूर्नामेंट का उद्देश्य ये था कि भाई पूरा समाज जो नवयुवक है और जो सीनियर्स है वो एक जगह जमा हो, इस उद्देश्य से लिया गया है.
टूर्नामेंट की विशेषता यह है कि ये टूर्नामेंट के अंदर दो लेडीज ग्राउंड पे रहना कंपलसरी है, उसमें जो पहला ओपनिंग में आना एक लेडीज का कंपलसरी है और पहले दो ओवर में एक ओवर लेडीज को देना कंपलसरी है। इस कारण क्या है, पूरा पारिवारिक माहौल में ये टूर्नामेंट होता है, पूरे परिवार के जैन समाज के लोग एक जगह जमा होते हैं दो दिन के लिए। इस उद्देश्य से नवयुवक संघ ने चालू किया था, ये चौथा सीजन है नवयुवक संघ का, और हमें जो इस तरह का रिस्पांस मिला है जैन समाज की ओर से और स्पॉन्सरों के ओर से, तो मुझे लगता है ये टूर्नामेंट अगले साल विदर्भ लेवल तक के कराने का हम प्लान कर रहे हैं, अभी देखते हैं कैसा क्या होता है। वाढता प्रतिसाद पाहता पुढील वर्षी विदर्भ स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट घेण्याचा मानस ओसवाल नवयुवक संघाने घेतला आहे।